ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा अध्याय और 28th श्लोक। तत्वित्तु महाभावो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। कोई पढ़ेगा? तत्ववित्तु महाभावो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्वित्तु महाभावो अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा तत्वित परम सत्य को जानने वाला तू, लेकिन महाभावो हे विशाल भुजाओं वाले गुणकर्म भौतिक प्रभाव के अंतर्गत कर्म के विभागयो भेद के गुणा इंद्रियां गुणेशु इंद्रिय तृप्ति में वर्तन्ते तत्पर रहती है इति इस प्रकार मत्वा मानकर न कभी नहीं सज्जते आसक्त होता है। अनुवाद तात्पर्य हे महाभाव भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तात्पर्य परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि भगवान कृष्ण का अंश और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है तो सच्चित आनंद है और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देह आत्मबुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत कार्य में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः आसक्त हो जाता है क्योंकि यह परिस्थिति जन्य तथा अस्थाई है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म परमात्मा भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है वह तत्वविद कहलाता है क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। दिस इज गुड वर्स। ओम अज्ञानात् मिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इस श्लोक की शुरुआत हो रही है तत्ववित्त मतलब वित्त मतलब जानने वाला और तत्व मतलब तत्व को जानने वाला तत्ववित्त। सो जैसे हिंदी में कहते हैं वेत्ता नहीं कहते जानने वाला तत्ववेत्ता नहीं या कथावेत्ता नहीं। तो वित्त मतलब होता है इंटेलिजेंट व्यक्ति जो सबको समझने वाला है वित्त। और वैसे इंग्लिश में
भी इस शब्द से एक शब्द है, विथ। संस्कृत शब्द से इंग्लिश आ रही है, नहीं आ रही है। सो विथ से आता है विद, विद, विड, विद, विद, विद से आता है वीडियो। जानने वाला नहीं, देखते हैं ना वीडियो। विथ मतलब जानना, तो वीडियो से कैसे, जानते ही तो हैं सब कुछ, देखते हैं कर। ये कुछ लिंग्विस्टिक्स बताते हैं, इस तरह से संस्कृत से इंग्लिश आई है। सो विट भी होता है इंग्लिश में, विट पता है, इंटेलिजेंस, WIT, विट, वही विथ यहाँ पर है इंग्लिश, संस्कृत के विथ से विट आया है, इंटेलिजेंट आदमी। सारी लैंग्वेजेस संस्कृत से आई है, इसलिए कई लिंग्विस्टिक्स कहते हैं कि सबसे पहली भाषा कौन सी थी, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, इंग्लिश, सबसे पहली भाषा कैसे कौन सी थी, प्रोटो यूरोपियन इंडो लैंग्वेज, मतलब एक ऐसी भाषा थी जो पूरे संसार में थी, और ये कौन सी भाषा, ये संस्कृत थी। अब सारे लिंग्विस्टिक्स मानते हैं क्योंकि संस्कृत से ज़्यादा रिच लैंग्वेज, रिच मतलब कैसे कहेंगे, रिच कैसे कहेंगे, धनी, धनी मतलब धनी, वैसे धनी। संस्कृत में जो शब्द, जितने शब्द हैं वो है ही नहीं इंग्लिश में, ऐसे इंग्लिश में पानी के लिए कितने शब्द हैं, वाटर, वाटर कह सकते हो, है, दैट्स ऑल, एक ही है। संस्कृत में पानी के लिए 80 शब्द है, यू कैन इमेजिन, 80 वर्ड्स, इमेजिन नहीं कर सकते। अंबू, नीर, हाँ, बारी, तोया, इतने सारे, वो तो बारिश है। सो 80 शब्द, यू कैन इमेजिन। सो इसलिए विथ मतलब है इंटेलिजेंट, बेसिकली मैं संस्कृत की बात कर रहा था, मैं कहा विथ मतलब इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट कौन है, जो केवल संस्कृत को नहीं जानता, जो किसको जानता है, तत्व को। अब तत्व क्या है, क्वेश्चन है, तत्व क्या होता है, मतलब क्या है तत्व का, तत्व का मतलब श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर कि श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को जानता है वो तत्ववित है। तत्व मतलब परम सत्य, एसेंस क्या है, किसी भी चीज का सार क्या है, उसको कहते हैं तत्व, नहीं। सो इस सारे संसार का, हमारा ये जो हम देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो नहीं सोच रहे हैं, जो कल्पना कर रहे हैं, उसका सार क्या है, उसका सार भगवान श्री कृष्ण ही है, बस यही है। जो ये जानता है वो तत्ववित है, जो नहीं जानता वो क्या कह सकते हैं, वो मूर्खवित है, फूलिश इंटेलिजेंट आदमी है, इंटेलिजेंट फूल है, अपने आपको इंटेलिजेंट समझ रहा मगर है फूलिश, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा कि दूध का सार क्या है, घी, पता ही नहीं, वो पी जाएगा दूध, उसको पता नहीं कि अगर दूध में से घी निकाल के पिए तो और एनर्जी आएगी, है नहीं, दूध पी के उतनी एनर्जी नहीं आएगी जबकि उसमें भी घी है, अब पी लो, होगा ही नहीं। और दूध कहाँ से आता है, खून से आता है, गाय के नहीं, गाय के खून से तो दूध बनता है, अब गाय का खून पी लो तो क्या होगा, तो बीमारी हो जाओगे। सो वो तो खून में से जब दूध निकलेगा, दूध में से जब घी निकलेगा, जब घी पियोगे तब उससे एनर्जी आएगी, नहीं। सो ठीक है, संसार, इस सारे संसार का, सबका, हमारा सबका, जो हम देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे, उसका सार कृष्ण है। तो कृष्ण की सेवा करने से आनंद मिलेगा, इस संसार में आनंद मिलने से आनंद नहीं मिलेगा, तो बीमार हो जाओगे, जैसे खून को पीने से बीमार हो जाओगे, वो शक्ति नहीं मिलेगी आपको, वो तो भगवान को पकड़ना पड़ेगा। आप कहोगे नहीं नहीं, संसार में भगवान ही तो हैं, लोग यही कहते हैं ना, हर कण कण में भगवान है, इसलिए हम हर कण कण की सेवा करेंगे। अब कई मायावादी तो ये भी कहते हैं, देखो सिगरेट में भगवान, ईश्वर है, कितना आनंद है, क्योंकि ईश्वर है आनंद। नॉनसेंस, क्रेजी आइडिया है, नहीं, आपको सार निकाल के लेना पड़ेगा, आप वो चीज़ नहीं ले सकते उठा के, दैट्स कंप्लीट, समझ गए नहीं, समझ गए। इसको कहते हैं तत्व, तत्वित मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो जानता है, वित का मतलब सिर्फ ये नहीं जानना, वित का मतलब जो निकाल सकता है वहां से, इंटेलिजेंट का मतलब वैसे, इंटेलिजेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं तो समझ गया, इंटेलिजेंट का मतलब है कि समझ के उसने एक्शन किया और उसका उसने रिजल्ट निकाल लिया, ये इंटेलिजेंस हुई ना। अगर सिर्फ समझ गया और कुछ कर नहीं पाया तो बेवकूफ है, भी समझ के क्या किया आपने, तो डल हो आप, यही है ना। सो इंटेलिजेंस और नॉलेज में बहुत फर्क होता है, इसलिए
आजकल मल्टीनेशनल कंपनी एजुकेटेड लोगों को नहीं लेती, इंटेलिजेंट लोगों को लेती है। उनको पता है कि एजुकेशन में तो डोनेशन देके बड़े सारे फंसे पड़े हैं लोग, नहीं वो इंटरव्यू में इंटेलिजेंस देखती है। इसलिए मैंने देखा है कई लोगों के बहुत ही कम ग्रेड्स भी आते हैं, मगर इंटरव्यू में अगर इंटेलिजेंट होते ना वो उठा लेते हैं उनको। होता नहीं होता ऐसे, होता है आजकल यही क्रिटेरिया है। सो इंटेलिजेंस और नॉलेज में फ़र्क है। नॉलेजेबल हो सकते हैं हम, तत्ववित का मतलब ये नहीं है कि आपने शास्त्र जान लिए, वो तो कोई भी रट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, मतलब कोई भी नहीं रट सकता, लोग तो पढ़ भी नहीं रहे। बट पढ़ के रटना, समझना और पढ़ना एक अलग बात है, मगर उसको अप्लाई करके हर सेकंड हर क्षण याद रखना वो बिल्कुल अलग चीज़ है। नहीं तो वो तत्ववित है जो भगवान को निकाल लेता है संसार से। इसीलिए अर्जुन क्या बोल रहे हैं, महाभाव। महाभाव मतलब जिसके हाथ रूपा लिख रहे हैं, जिसके हाथ जिसकी विशाल भुजाएं। ऑफ कोर्स इसलिए नहीं कह रहे अर्जुन को महाभाव कि उसके बड़े बड़े हाथ हैं। महाभाव क्यों कह रहे हैं? महाभाव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके दो कारण है, क्योंकि अर्जुन इस चीज में सक्षम है भगवान को निकालने में, इस संसार से, इस संसार का सार पकड़ने में। अर्जुन जैसा व्यक्ति, अर्जुन जैसा भक्त इस संसार में कहीं भी होगा, किसी भी परिस्थिति में होगा, कभी भी भगवान को नहीं भूलेगा, उस सार को नहीं भूलेगा। वो हर जगह भगवान के दर्शन कर सकता है, नहीं हम भूल जाते हैं। इसलिए महाभाव कह रहे हैं उसकी भुजाएं बड़ी नहीं है, सिर्फ उसकी बुद्धि भी, अर्जुन की बुद्धि भी विशाल है। सो ही कैन सी गॉड इन एवरीथिंग, हर क्षण भगवान को देख सकता है, भगवान की। महाभाव मतलब एक्चुअली फिर महाभाव क्यों बोल रहे हैं, महाबुद्धि क्यों नहीं बोलना चाहिए था, है नहीं? भगवान को बोलना चाहिए था तत्वित तू महाबुद्धि, महाभाव क्यों बोल रहे उसका वो भी ठीक है, क्योंकि उसका एक इम्पोर्टेंट कारण ये है कि अर्जुन क्या, अर्जुन में ऐसी बुद्धि है कि वो भगवान हर क्षण भगवान को देख सकता है, भगवान की सेवा कर सकता है। नहीं अभी कहा क्या सेवा है उसकी, हाथ चलाना, नहीं हाथ ही तो चलाना है उसको, पैर थोड़ी ना चलाना है उसको, तीर चलाना है, वो गंडीव में एक्सपर्ट है। इसलिए महाभाव कह रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन तुम समझते हो तत्व को, तुम तत्ववित हो तो लड़ो। लड़ने के लिए उसको प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल उसने मना ही तो किया युद्ध करने को, और क्या है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन समझने की कोशिश करो कि युद्ध करना तो सेवा है, तुम युद्ध के पीछे मुझे देखो ना, तुम युद्ध में सिर्फ अपने रिश्तेदारों को देख रहे हो, फंस गए हो, उसका सार निकालो। ये बैटल मैंने अरेंज की है, ये मैंने किया है, धर्म संस्था अपना अर्थ आया, मुझे देखो, जो मैंने किया है तो मेरे काम में सपोर्ट करो अपनी विशाल भुजाओं से, जो मैंने तुम्हें दिए अपनी सेवा के लिए। इसलिए महाभाव कह रहे हैं, भगवान उसको प्रेरित, उसको याद दिला रहे हैं कि भाई यू आर स्ट्रांग, यू आर इंटेलिजेंट, तत्वित इंटेलिजेंट, महाभाव स्ट्रांग, तो दोनों को मेरी सेवा में लगाओ, वरना वेस्ट है तुम्हारी इंटेलिजेंस और तुम्हारे भुजाएं। इसलिए कह रहे हैं महाभाव। मगर अब क्वेश्चन ये है कि हम जैसे लोग हम जो है हम भूल जाते हैं बार बार, नहीं हम तो, हमें तो याद है मगर हम भूल जाते हैं। अर्जुन नहीं भूला, अर्जुन युद्ध करते वक्त भी नहीं भूला भगवान को। ऑफ कोर्स भगवान के सामने खड़े थे वो पता लगा है, मगर अगर भगवान हमारे सामने भी आ जाए हम तो भूल ही जाएंगे, हम भूल जाएंगे। अगर यहाँ पे भी बैठ गए ना भगवान, दो मिनट में हम पता नहीं क्या कर रहे होंगे, नहीं सब अपने घर चले जाएंगे। भगवान ठीक है, दो घंटे हो गए, तीन घंटे हो गए, घर के काम भी तो हैं वो कौन करेगा, वी आर नॉनसेंस पीपल। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग फंस जाते हैं, हम लोग अर्जुन जैसे नहीं है, इसलिए कृष्णा कह रहे हैं गुना कर्मा विभाग है, हम गुण और कर्मों में फंस जाते हैं। अर्जुन जैसा व्यक्ति नहीं फंसता, क्योंकि वो इस संसार के पीछे किसको देख रहा है, कृष्ण को देख रहा है। इसलिए भी महाभाव कह रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन तुम्हारी विशाल भुजाएं हैं, तुम कंट्रोल कर सकते हो सबको, युद्ध में सबको हरा सकते हो, भीष्म द्रोणाचार्य, मेरी उससे भी विशाल भुजाएं हैं। महाभाव
गुना कर्म विभागयो। अर्जुन जैसा व्यक्ति समझता है गुना कर्म के विभागों को, हम नहीं समझते, क्योंकि हम तत्वित नहीं है, हम अतत्वित है, ना हमारे में बुद्धि है, ना हमारे में स्ट्रेंथ है, नहीं ना ढंग से हमें कुछ ज्ञान है शास्त्रों का, गीता का। पिछले श्लोक में आ रहा है ना अहंकार विमूढ़ आत्मा, तो अहंकार ही है ना, हम तो समझते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है, मूर्ख हो चुके हैं, ना हमने शास्त्र पढ़े, हमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, और ना ही अगर दिखाई भी दे जाए तब भी महाभाव नहीं है, समझ भी आ गया अभी भी नहीं कर पा रहे, नहीं वीक हार्टेड है ना हम, महाभाव मतलब स्ट्रांग हार्टेड, स्ट्रांग हम वीक है, दुर्बल है, मंद सुमंद है, हमें पता है बट फिर भी हम गुण और कर्मों में फंस जाते हैं, नहीं फंस जाते, नहीं फंस जाते, पता होते भी फंस जाते। सो मगर एक बुद्धिमान व्यक्ति को पता है गुण और कर्म काम करते हैं संसार में। गुण मतलब क्या है, गुण के वैसे तीन मतलब है, अगर आप ध्यान से देखो, प्रभुपाद भी लिख रहे हैं यहां पर, अगर ध्यान से पपट पढ़ोगे तो पता लगेगा। गुण का मतलब है, एक तो मतलब है गुण का मतलब गुना, गुना करते हैं ना, सब्सट्रैक्ट को क्या कहते हैं मल्टीप्लाई, और डिवाइड को क्या करते हैं विभाग, विभाग भाग करना, भाग भाग भाग। सो गुण का मतलब मल्टीप्लाई और विभाजन, नहीं सो मल्टीप्लाई। तो एक तत्वित कौन है, वो देख सकता है कि हमारे मन में इच्छाएं मल्टीप्लाई होती रहती है, यानी एक इच्छा से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, यही चल रहा है ना, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। एक इच्छा आपने एंटरटेन की नहीं, दस आ जाएंगे, यानी उसको रोको, वो रोकेंगे नहीं। आप सोचोगे एक इच्छा कंप्लीट करके खत्म हो गया, नहीं भाई, एक इच्छा कंप्लीट की वो और बढ़ जाएगी, वो तो आग में घी से डालने के समान है। आपने थोड़ा सा बस, आपने कहा चलो यार दो मिनट टीवी देख लेते हैं, अच्छा सीरियल आ रहा है, बस हट जाएंगे। आपने देखना शुरू किया, दो मिनट के दो घंटे हो जाएंगे, वो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, नहीं आ सकती, अट्रैक्शन बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, फंस जाओगे आप, फिर निकल नहीं पाओगे, फिर निकलने में डर लगेगा, फिर छूटेगी नहीं वो चीज़, फिर हैबिट बन सकती है, एक दिन हैबिट बन जाएगी, फिर रोज ही मन करेगा दो मिनट दो मिनट दो मिनट दो मिनट, फिर आप फंस गए, जकड़ लिया उसने। तो गुण मतलब मन के विकार जो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तत्वित व्यक्ति देख सकता है कि माइंड कैसे चल रहा है, कैसे देख सकता है, क्यों देख सकता है, क्यों यह तत्वित क्यों देख सकता है, क्योंकि क्योंकि भगवान की कृपा से वो अपने मन को देख सकता है, नहीं अलग होकर, एक बेवकूफ नहीं देख पाएगा, जो तत्वित है जिसको ज्ञान नहीं है वो नहीं देख पाएगा क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा, खो जाएगा उसमें। गुण का एक मतलब हो गया अच्छा है, दूसरा मतलब हो गया गुण का तीन प्रकृति के तीन गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। एक इंटेलिजेंट आदमी तत्वित देख सकता है कि किस तरह तीनों गुण उस पर काम कर रहे हैं, कभी तमोगुण में जब नींद आती है तमोगुण में आ जाते हैं, जब इच्छाएं आती है तो रजोगुण, जब हम शांत होते हैं बड़ा अच्छा लगता है तो इसका मतलब सतोगुण में आ गए, यही होता है ना, बस यही चलता रहता है। सो एक डिबोटी देख सकता है कि भगवान का भक्त, भगवान का भक्त भगवान की कृपा से देख सकता है कि क्या चल क्या रहा है, भगवान की गीता की दृष्टि से देख पाता है कि ओ यार एक्चुअली मैं कभी तमोगुण में आ रहा हूँ, कभी सतोगुण में आ रहा हूँ, कभी रजोगुण में आ रहा हूँ, ये दूसरा मतलब है। और तीसरा मतलब है गुण का, तीसरा मतलब कोई बताएगा क्या है, मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है। एनीवे तीसरा मतलब है, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, सब कुछ ईश्वर के नियंत्रण में है। गुण का एक और मतलब है ईश्वर की इच्छा, क्वालिटी, क्वालिटी, गुण मतलब क्वालिटी होता है। सो गुण का एक मतलब है जीव की क्वालिटी, जीव का स्वभाव, गुण मतलब स्वभाव, जीव का स्वभाव और ईश्वर का स्वभाव दोनों समझ जाता है। वो ये समझ जाता है कि जीव का स्वभाव इच्छाओं के और तीन गुणों के अंडर है नहीं, जो दो, दो दो मतलब है बाकी गुण के, हमारे अपने जो विचार हैं उसमें फंसे पड़े हम, हमारा स्वभाव, और हमारे जो तीन रजोगुण तमोगुण और सतोगुण के उससे ही हमारा स्वभाव क्या कहते हैं, हाँ मतलब घटा गया है, जैसे पॉटर घटता है पॉट को, ऐसे हमारा स्वभाव बना हुआ है, नहीं एक हमारा सबका स्वभाव है, नहीं है, सबकी अपनी पर्सनैलिटी है जो आप चेंज नहीं कर सकते,
अब वही हो आप, कुछ भी कर लो, एक एक्टर कितना ही एक्टिंग कर ले पर्दे पे, पीछे तो वही होता है, वही वैसे ही बन जाएगा वो। सो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हमारा अपना स्वभाव है। तो ये हमारा स्वभाव और हमारे जो मन के विकार हैं, जो मन चलता जा रहा है, इच्छाएं मल्टीप्लाई होती जा रही हैं, ये किसके अंडर है? ये भगवान कृष्ण के कंट्रोल में है। ईश्वर का स्वभाव, जीव का स्वभाव है परतंत्र होना, ईश्वर का स्वभाव है स्वतंत्र। हम परतंत्र हैं पूरी तरह, हम अपनी इच्छाओं के परतंत्र हैं, तीन गुणों के परतंत्र हैं, कुछ भी तो नहीं कर पा रहे हम। पिछले यही तो आया था प्रकृति क्रिया मानानी, पिछले श्लोक में यही तो आया था। पूरी तरह हमारी स्वतंत्रता बहुत लिमिटेड है। हम थोड़ी बहुत इच्छा कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं। लिमिटेड तो है, आप इच्छा कर सकते हो यहाँ से वहां जाने की, ये तो नहीं इच्छा कर सकते कूद जाओगे, कर सकते मगर कूद नहीं सकते, लिमिटेड हो। आप इच्छा कर सकते हो उड़ू, क्या उड़ जाओगे? नहीं उड़ सकते, बहुत लिमिटेड। आप इच्छा कर सकते हो मरू, नहीं मरोगे, बीमार नहीं हो, बीमार हो गए, सो इट्स लिमिटेड। आप इच्छा कर सकते हो क्रोध नहीं करूंगा, मगर फिर भी क्रोध करोगे, देखा, कंट्रोल्ड हो नहीं हो। सो गुणों से, तीन गुणों से, इच्छाओं से आप पूरी तरह जकड़ गए हो। हम स्वतंत्र हैं, ईश्वर स्वतंत्र है, और इन गुणों को और हमारे मन को कौन चलाने वाला है? ईश्वर, भगवान कंट्रोल कर रहे हैं सबको, क्योंकि ऑफकोर्स गुण तो डेड है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तो डेड चीज है, प्रकृति तो डेड है, वो अपने थोड़ी ना चलेगी। ईश्वर हमारे पिछले जन्मों के कर्म, वासनाएं, संस्कार देखकर इन तीन गुणों को कंट्रोल करते रहते हैं, जैसे एक व्यक्ति पपेट को कंट्रोल करता है, नहीं पपेट होता है, नहीं होते पपेटियर, ऐसे भगवान कंट्रोल करते रहते हैं। सो हमारे पिछले जन्मों को देख दाग के, जैसे भी जो जो हमने किया है, जो जो हमारी अनफुलफिल्ड इच्छाएं हैं पिछले जन्मों की, उसके अकॉर्डिंग हमें चलाते रहते तीन गुणों के अनुसार। तो समझ लीजिए जैसे पपेट नहीं होता, तो पपेट है, भगवान है, और जो रोप्स नहीं लगी होती, वो तीन रोप्स तीन गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो भगवान देख रहे हैं कि इसको पिछले जन्म में सोने की बहुत इच्छा थी, सोता रहता था, मुझे बड़ा मजा आता था, तो इस जन्म में भी भगवान तमोगुण की रोप को टाइट कर देंगे और उसको नींद ही आती रहेगी। भैया नींद क्यों आ रही है मुझे, तुम्हें बहुत शौक था तुमने सोने का पिछले जन्म में, और क्या है। उसने पिछले जन्म में वो वॉरियर था, उसके पिछले जन्म में भी वॉरियर था, वॉर में पार्टिसिपेट किया था। तो इस जन्म में भगवान देखेंगे इसकी बहुत इच्छा थी लड़ने की, तो क्या करेंगे, एज अ पपेटियर उसके जो उसका रजोगुण का स्ट्रिंग है उसको खींच देंगे, तो इस जन्म में भी उसको मारने का मन करेगा। नॉर्मल सिविलियन होगा, इसमें तो वॉर में नहीं है, और उसका मन करेगा मैं इसको मारूं, इस पर क्रोध करूं, ये उसको पता ही समझ ही नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, फिर सेक्रेटरी से बजाएगा भैया क्यों हो रहा है ऐसा, उसको समझ, यू कॉन्ट अंडरस्टैंड। तो ये गुण है, समझे गुण का मतलब क्या है, उनका तीन मतलब होगा, नहीं एक होगा स्वभाव, ईश्वर का स्वभाव और जीव का स्वभाव, दूसरा हो गया, दूसरा क्या है, त्रिगुण सतरजतम, और तीसरा मन की इच्छाएं। एक तो गुण, तत्विद आदमी गुण को समझता है और कर्म को समझता है। कर्म मतलब इन, कर्म तो सिंपल है, इन इच्छाओं के प्रभाव से जो हम काम करते हैं, तीन गुणों के प्रभाव से जो काम करते हैं, तीन गुणों का प्रभाव ना, अलग अलग काम में लगे रहते हैं, और ईश्वर की इच्छा से, अपने स्वभाव से जो हम काम करते रहते हैं। इस सारे डिपार्टमेंट को वो विभाग हो मतलब विभाजन, ये गुण कैसे काम कर रहे हैं, कर्म कैसे काम कर रहे हैं, मैं कैसे कंट्रोल में हूं, ईश्वर कैसे स्वतंत्र है, ये सब समझ आता है। और ये समझ के क्या कंक्लूजन आता है, उसका एक कंक्लूजन आता है कि गुना गुणेशु वर्तन्ते, एक इंटेलिजेंट आदमी का कंक्लूजन ही आता है ये सब। अगर ये सब समझ के इंटेलिजेंट आदमी क्या कंक्लूजन आएगा, गुना गुणेशु वर्तन्ते, कंक्लूजन है कि गुण गुणों में है, वर्तन्ते मतलब है, गुणेशु मतलब गुणों में, गुण मतलब गुण, गुण ही गुणों में है। या दूसरे शब्दों में वो ये समझ जाता है कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण एक दूसरे से इंटरैक्ट करके, नहीं गुण गुणों में ना, हमारी इच्छा ही हमारी इच्छा में घुसी पड़ी है,
एक इच्छा से दूसरी इच्छा आ रही है, दूसरी इच्छा से गुण गुणों में, मतलब गुण ही गुणों का कॉज है ये, एक को बढ़ाते रहते हैं, कम नहीं करते। हमारी इच्छाएं की इच्छाएं और बढ़ जाएंगी, रजोगुण आएगा तो रजोगुण और रजोगुण को बढ़ा देगा। अब सोते रहोगे तो और सोने का मन करेगा, होता है नहीं होता है, ऐसी होता है ना, गुना गुने मतलब मल्टीप्लीकेशन हो गई तो मतलब स्क्वायर रूट हो गया, नहीं मल्टीप्लीकेशन पे मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर रूट होता है ना, सॉरी स्क्वायर रूट क्या कह रहा हूँ, वो तो कम हो गया, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। रजोगुण रजोगुण को बढ़ाता है, तमोगुण तमोगुण को बढ़ाता है। अगर आप काम, अगर संसार में इच्छाएं रखोगे आप पागल हो जाओगे, इच्छा पूरी कर करके पागल हो जाओगे, एक साइको हो जाते हैं लोग, वो बढ़ता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, गुना गुने इशू बरतनते, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। नहीं तो उसको समझ आ जाता है यार ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिस्टम, मैं फंस जाऊंगा, उसको फिर समझ आता है। इसलिए प्रभुपाद पहली लाइन में ये लिख रहे हैं ये सब समझ के, परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। समझ, ये लाइन समझ गई, अ पर्सन नोज दिस ऑकवर्ड सिचुएशन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक संगति, परम सत्य को जानने वाला जो तत्वित है, जानता है सब गुना कर्म में भाग गए हो, वो भौतिक संगति में इस संसार में, इस संसार में अपनी विषम स्थिति को जानता है। विषम स्थिति समझते हो ना, ऑकवर्ड पोजीशन, ऑकवर्ड पोजीशन है नहीं, गुना गुनेशु वर्तन्ते, भाई ये तो चीजें बढ़ती रहती हैं, मैं तो फंस गया हूं इसके अंदर, रुकना चाहूंगा तब भी नहीं रुक रहा, समझ गया तब भी नहीं समझ आ रहा, कुछ क्या करूं, नहीं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये तो मल्टीप्लाई होती जा रही है चीजें, जाल में, इसको कहते हैं माया जाल, माया जाल में फंस गया हूं, दिखाई भी दे रहा है भगवान बट फिर भूल जाता हूँ, फिर फंसता रहता हूँ, फंसता रहता हूँ, फंसता रहता हूँ। इसीलिए एक डिवोटी जो है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर, एक डिवोटी हमेशा अपने आप को क्या कहते हैं, कंफर्टेबल नहीं समझता इस संसार में। जिसको नॉलेज आ जाएगी ना वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं होगा। आप उल्टा सोचोगे वैसे तो कंफर्टेबल रहेंगे, मगर कंफर्टेबल नहीं होगा। एक इग्नोरेंस इज ब्लिस, प्रभुपाद ने बोला है, अज्ञान आनंद है, यानी अब तक पता नहीं, अब तक खुश थे, मजे कर रहे थे, कभी अप्पू घर जा रहे हैं, कभी नरूला जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब गीता समझ आ गई तब पता लगा भैया तो फंसे पड़े हैं, है नहीं। तो गीता समझने से जरूरी नहीं आपको शांति मिल जाए, पहले तो आप अशांत हो जाओगे, आपको पता लग जाएगा भाई ये तो गड़बड़ है। जब तक मैं भगवान की शरण नहीं लूंगा तब तक अशांति रहेगी। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, इति मत्वा न सज्जते, सज्जते मतलब होता है आसक्त, ये सब जानकर वो इससे आसक्त नहीं होता, क्योंकि उसको पता है मैं आसक्त हुआ गुना गणेशु वर्तनते तो मैं फंस जाऊंगा। जैसे मैं संसार से जुड़ा, आसक्त हुआ, भगवान को भूल जाऊंगा और ये चीजें बढ़ती रहेंगी, इच्छाएं तमोगुण का अफेक्ट बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, एक दिन आएगा मैं पागल हो जाऊंगा, ये बिकम मैड, एडिक्ट हो जाओगे, पागल हो जाओगे, मैनियक बन जाओगे, साइको बन, यही है ना, अल्टीमेटली वही हाल हो जाएगा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए वो ये इति मतलब ये है, मतवा मतलब जानकर, न मतलब नहीं, सज्जते मतलब आसक्त, इस संसार से आसक्त नहीं होता, जिसमें गुण और कर्म काम कर रहे हैं, जिसमें गुण और कर्म एक दूसरे से इतनी बुरी तरह एंटेंगल्ड हैं कि आप इस माया जाल में फंस जाओ, जाल में फंसना चाहते हो वो बात अलग है, नहीं फंसना तो बात अलग है, तो आसक्त आसक्त नहीं होता। सो डिवोटी को हमेशा अनकंफर्टेबल फील करना चाहिए संसार में, क्योंकि अगर आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे तो भगवान की शरण नहीं ले रहे, नहीं अल्टीमेटली तो यही है ना, अगर आप, अगर आपको नहीं, अगर आपको सबको अच्छा लग रहा है तो आपको जरूरत ही क्या लग रही है भगवान की शरण लेने की, नहीं। और मगर इसमें एक बात है कि जो योगी ज्ञानी है ना, उनको भी पता लगता है कि संसार कॉम्प्लेक्स है, नहीं उनको भी सब समझ आ रहा होता है, प्रकृति के तीन गुण काम कर रहे हैं, इच्छाएं काम कर रही है, मैं पूरे कंट्रोल में हूं, और वो ये सब जान के क्या करते हैं योगी ज्ञानी, वो क्या करते हैं, वो छोड़ छाड़ के मेडिटेशन करने चले जाते हैं, नहीं
अपने मन को रोकूंगा मैं। मगर वो बेवकूफी है। डिवोटी को पता है संसार ठीक जगह नहीं है, यहाँ पे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, फंस गया हूं मैं। एक ज्ञानी को भी पता है फंस गया हूं, मगर ज्ञानी है जान के मैं फंस गया हूं कहां जाएगा, हिमालय। एक डिवोटी है जानकर कहां जाएगा, मंदिर, भगवान की शरण में। है नहीं फर्क है, नहीं है? क्यों ऐसा क्यों है? हाँ ठीक है, हाँ ये भी कह सकते हो, क्योंकि डिवोटी जानता है कि स्वतंत्र कौन है, ईश्वर। मैं किसके परतंत्र हूं? ईश्वर के। जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे तब तक मैं इस परतंत्रता से बाहर नहीं आ सकता। स्वतंत्री तो निकालेगा परतंत्र को, अगर आपको किसी रस्सी से बांधे तो खुद खोल लोगे क्या? हिमालय पे चलो तब भी खोल लोगे? नहीं खोल सकते आप रस्सी से बांधे हो, जो खुला है वही तो खोलेगा। इसलिए जो गुण गुण है उसमें हमने ईश्वर को भी रखा है, नहीं ईश्वर के स्वभाव को, है नहीं? गुण का एक मतलब बताया था ईश्वर का स्वभाव। एक इंटेलिजेंट डिवोटी ईश्वर के स्वभाव को भी समझता है, ज्ञानी ईश्वर के स्वभाव को नहीं समझता। ज्ञानी के लिए ईश्वर है ही नहीं, उसके लिए तो बस वो ही है योगी ज्ञानी, अपने मन को रोको और मुक्त हो जाओ। ज्ञानी लोग ईश्वर की बात नहीं करते, करते भी ईश्वर की बात तो अलग ढंग से करते हैं। उनके लिए ईश्वर तो निराकार है ना, ज्ञानियों के लिए, उनके लिए स्वतंत्र करता रहा, उनके लिए तो निराकार है, बस उसमें लीन हो जाओ ठीक है, खुद ही अपने आप को निकाल के लीन हो जाओ। निकलोगे कैसे तुम? तुम तो बंधे हो, खोलेगा कौन? इसीलिए शिला प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, एक्चुअली प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। वह जो जानता है, फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधों से विचलित नहीं होता। उसको पता है भगवान पूरे कंट्रोल में है, वो ही छुड़ा सकते हैं और वो ही बंधन में डालेंगे, उनकी इच्छा है। अगर आप उनकी सेवा नहीं करोगे तो बंधन में आ जाओगे, उनकी सेवा करोगे तो छूट जाओगे, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। इसलिए वो भगवान को सरेंडर कर देता है, इस संसार से आसक्त नहीं होता, भगवान को सरेंडर करता है और इस संसार के बंधनों से विचलित भी नहीं होता। उसको पता है अनकंफर्टेबल सिचुएशन है ये, मैं फंस गया हूं, मगर ठीक है, निकालने बचाने वाले भी वही है, मारने वाले भी वही है, नहीं सो ठीक है। अब वो अपने आप को भगवान पे छोड़ देता है, इसलिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होते हुए भी कंफर्टेबल हो जाता है। अब देख रहे हो, जब वो संसार और इसके बारे में सोचता है तो अशांत हो जाता है, फिर जब अशांत होता है तो किसके बारे में सोचता है? कृष्ण के बारे में। वो कृष्णा आप ही सब, आपके पीछे ही सबका हाथ है। जैसे ही कृष्ण के बारे में सोचता है वैसी उसकी अशांति शांत हो जाता है, और जैसे ही शांत हो जाता है फिर उसको भय लगने लगता है कि ये शांति अशांति दोबारा ना आ जाए। प्रॉब्लम ये है, इसको डर लगता है कि शांति दोबारा ना आ जाए, क्योंकि रह तो संसार में ही रहे हो ना, मन तो साथ में ही है, सो भय आ जाता है उसको। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि वो विचलित नहीं होता, विचलित नहीं होता क्योंकि वो भगवान की शरण में रहता है, मगर साथ साथ उसको भय भी होता है। सो अगर आप भक्ति करोगे तो पहले तो अशांति आएगी, वो आनी चाहिए, फिर शांति आएगी, और फिर शांति के बाद क्या आएगा? भय आएगा। भय थोड़ी बहुत अशांति तो है ही, भय तो डर तो लगेगा अभी संसार से, मगर जब भय आएगा तो क्या करोगे आप? फिर दोबारा से कृष्ण के, फिर हमेशा नाम लोगे, भक्तों के रहोगे तो शांत रहोगे, बस तब शांत रहोगे। हाँ भाई ठीक है, तब आप वहां पर फंसोगे नहीं, बिल्कुल निरासक्त हो गए, नहीं उसको कहते हैं निरासक्ति, वैराग्य आ गया, निरासक्त हो गए, फिर आप बेवकूफी नहीं करोगे फंसने की। आपको पता है भैया ये चीजें डेंजर हैं, मत करो, मत देखो, मत सुनो, और भक्तों यार रहोगे और हैप्पीली अपनी लाइफ बिता सकते हो, जान बूझ के ना, एक्सपेरिमेंट करके गिरोगे नहीं। तो भय भी फायदा करती है, भय भी अच्छी चीज है। एक्चुअली किसी संत ने कहा है, साधु ने कहा है कि दो चीजें आपको बचा सकती हैं संसार में, एक तो प्रेम और एक भय। जिसने समझ लिया वो बच गया, संसार से भय और कृष्ण से प्रेम, इसी को कहते हैं वैराग्य।
इसलिए कह रहे हैं न सज्जते, वो आसक्त नहीं होता। अनासक्ति के दो पहलू हैं, एक तो है संसार से भय, नहीं वैरागी को तो संसार से भय होना चाहिए अनासक्ति, और कृष्ण से प्रेम, अनासक्ति के दो पहलू हैं। वरना अगर दोनों नहीं होंगे तो वो पूर्ण वैराग्य नहीं होता, झूठा वैराग्य है। सिर्फ संसार से अनासक्ति होना, भगवान से आसक्ति नहीं होना, वो तो झूठा वैराग्य है। वो क्या है, वो तो आपने क्या छोड़ छाड़ दिया, क्या है, व्हाट नॉनसेंस इज इट। और केवल भगवान से प्रेम होना और संसार से भी प्रेम होना, वो तो वैराग्य ही नहीं, अब कर क्या रहे हो। सो दोनों चीजें, इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो कभी भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वो समझता है। तो एक भक्त विचलित क्यों नहीं होता, उसका उसका पहला कारण क्या है? उसका पहला कारण है कि वो समझता है कि ईश्वर सब कुछ नियंत्रण में, ईश्वर का कंट्रोल सब जगह है, नहीं, और वो ईश्वर की सेवा में, अब भगवान जो करेंगे करेंगे, इसलिए वो विचलित नहीं होता। तो इस पर्पट में प्रभुपाद देवी बता रहे हैं कि डिवोटी विचलित क्यों नहीं होता। अगर आप विचलित हो रहे हो तो इन तीन कारणों में से कोई गड़बड़ है। तो पहले है कि हाँ भाई, उसको पता है, यस भगवान स्वतंत्र करता है, नियंत्रण में, कभी नहीं भूलेगा वो। और दूसरा कारण है क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है, भौतिक बंधनों को भगवत कृपा मानता है वो। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, जो झंझट है ना, ये जो झंझट है नहीं, वो इन झंझटों से विचलित क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसको पता है इसके पीछे भगवान का हाथ है, मैं भगवान की सेवा में हूँ, वो मास्टर है, तो झंझट तो एक सेकंड में खत्म कर देंगे, मुझे क्यों विचलित तो नहीं कर रहा था, मैं तो सेवा में लगता रहूंगा, अभी देखा जाएगा। नहीं, पहला कारण सिंपल है, जैसे जैसे एक बच्चा होता है, जब बच्चा बिजनेस करता है तो सपोज पापा का बिजनेस, पापा कहेंगे बेटे तू बिजनेस संभाल, तो उसको पता है गड़बड़ होगी, पापा संभालने, गड़बड़ तो होगी, उसको पता है बिजनेस में होगी, लीगल चीजें भी होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, फंसेगा वो, उसको पता है मगर फादर एक्सपीरियंस्ड है, हो जाएगा। तो इसलिए डिवोटी अपना फिट रहता है, संसार में काम भी कर रहा है, चीजें भी चल रही हैं, उसको पता है चीजें, हजार चीजें झंझट है, मगर कोई नहीं, कृष्ण है साथ में, विचलित नहीं हो रहा, नहीं। और दूसरा कारण यह है कि वो इन झंझटों को भगवान की कृपा भी देखता है। जैसे एक बच्चा जो बिजनेस कर रहा है, वो देखेगा यार पापा ने क्यों नहीं बिजनेस कर लिया, मुझे क्यों लगा रहे हो, नहीं फादर ये बेटे तू कर, मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, तू संभाला क्योंकि उसको पता है कि फादर को पता है कि अगर वो नहीं बिजनेस करेगा तो कभी भी एक्सपर्ट, जब तक प्रॉब्लम नहीं झेलेगा तब तक एक्सपर्ट कैसे होगा, मैं ही सॉल्व करता रहूंगा पीछे से तो क्या होगा। इसलिए भगवान इन झंझटों को रख देते हैं कि हम इन झंझटों को क्या देखें, भगवान की कृपा के रूप में। और इन इनसे उलझ के हम लोग क्या होते हैं, मैच्योर बन जाते हैं, स्ट्रांग बन जाते हैं, नहीं, संसार की चीजें हमें आकर्षित करती अपनी तरफ, हम कहते हैं नहीं, हम आकर्षित नहीं होंगे, हम भगवान की सेवा करेंगे, उससे हमारा संकल्प बढ़ता है, बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, संकल्प बढ़ जाता है, हम स्ट्रांग बन जाते हैं। तो कृष्णा इस तरह से इस संसार की प्रॉब्लम्स भक्त को कृपा नजर आती है, संसार की प्रॉब्लम्स भक्त को भगवान के निकट ही ले जाती है नहीं, तो वो समझता है बहुत अच्छा है यार, ये तो कृपा है, इतनी प्रॉब्लम्स है उतना मैं भगवान की शरण में आ रहा हूँ, सुख होगा तो दुख में स्मरण सब करें, यही बात है। तो दुख कृपा नहीं हो गई तो स्मरण करा रही है, हेल्प भी तो कर रही है, और क्या कर रही है, साधु को भी तो मानते हैं भाई आपकी कृपा है, आपकी वजह से भगवान का स्मरण हुआ, तो दुख क्यों नहीं कृपा है, दुख में स्मरण सब करें, बहुत अच्छे हैं दुख इसका मतलब ये नहीं है हम दुख चाहते हैं, बट जो दुख आते हैं हम इस तरह देखते हैं कि भगवान की कृपा है, नहीं पॉइंट ये है। सो इसीलिए भी डिवोटी विचलित नहीं होता, दो कारण है जिससे डिवोटी विचलित नहीं होता, वो ईश्वर के नियंत्रण को हर जगह देख रहा है, और दूसरा वो सारे दुख सुख के संसार के उसको भगवान की कृपा मान रहे हैं, और उस कृपा को अनुभव करके भगवान की सेवा उसकी और बढ़ जाती है। कृष्णा कितने कृपा के सागर है। सो ये दिस इज इम्पोर्टेंट, अगर आप कभी भी जीवन में विचलित हो रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हो, इसका मतलब दो पॉइंट में से कहीं प्रॉब्लम है, अब भगवान को देख नहीं रहे पीछे, तत्वित नहीं हो, भगवान का हाथ नहीं देख रहे पीछे चीज़ों के, भगवान अपने भक्तों के लाइफ में प्रॉब्लम्स भेजते हैं उनको कोई मैसेज देने के लिए, ऐसे बोलेंगे तो नहीं, बोलेंगे भी अगर आप बहुत प्योर हो जाओगे, अभी नहीं बोलेंगे, ये भगवान उन लोगों से नहीं बोलते जो दीन नहीं होते।
सो अभी तो हम दीन नहीं है, नहीं इसलिए भगवान बोलते नहीं, मगर बिना बोले भी नहीं रह सकते क्योंकि हमारे पिता ही हैं, उनके अंश है ना। अब बाप बेटे में लड़ाई भी तो आती है कभी कभी, तो वो पिल रहा है बेटा वहाँ, पिता को नजर भी आ रहा है तो बोलना भी नहीं चाहता, बेवकूफ उसने ये कर दिया वो कर दिया, बट फिर भी बोलना तो चाहता ही है कि ऐसा मत कर ऐसा मत, तो क्या करेगा वो, या तो ये है या तो किसी और के थ्रू इन्फॉर्मेशन भेज देगा, यार जाके उसको बोल दे भैया बर्बाद कर रहे हैं अपने आप को, मैं तो नहीं बोल रहा उससे, मम्मी के या माँ के थ्रू बता देगा, ऐसे ही होता है ना। सो ऐसे ही है बस, भगवान कृष्णा कौन है पिता, माँ कौन है प्रकृति, तो डायरेक्ट तो नहीं पिता बोलते, माँ के थ्रू बता देते प्रकृति के थ्रू, वो तो प्रकृति प्रॉब्लम दे देती है, कुछ वार्निंग दे देते हैं भगवान प्रॉब्लम से कि भैया देखो अब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो डिवोटी को समझ आता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसका मतलब भगवान कुछ इंडिकेशन देना चाहते हैं मुझे, कुछ सिखाना चाहते हैं इसके पीछे, और क्योंकि वो तत्ववित है वो उसके पीछे साइन समझ जाएगा क्या है। बेवकूफ सोचेगा यार भगवान इतनी प्रॉब्लम दे रहे हैं, बेवकूफ को भी पता है कि कहीं कहीं लोगों को ये भी पता होता है कि सारे भगवान के नियंत्रण में, बेवकूफों को भी पता होता है, मगर वो उल्टा कंक्लूजन निकालते हैं, कहते हैं यार भगवान इतनी प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, बकवास है भगवान, क्यों मैं तो सब कुछ सही कर रहा था, क्यों इतनी प्रॉब्लम्स में डाल दिया मुझे, ये वो इल्जाम ही लगा देते हैं। सो डिवोटी समझते हैं यस कृष्णा प्रॉब्लम्स दे रहे हैं मुझे इंडिकेशन देने के लिए, जल्दी अपने झंझटों को हटाओ और मेरे पास वापस आ जाओ, वार्निंग है। कभी कभी कृष्णा प्रॉब्लम्स देते हैं, क्यों देते हैं डिवोटीज को, जब डिवोटी मस्त हो जाता है ना, मस्त हो गया भगवान की भक्ति में, वो कर रहा है चल रहा है काम, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा, ऐसा भी होता है ना कभी कभी स्टक हो जाते हैं ना हम लोग, ठीक है चल रहा है, उसको लग रहा है हाँ भक्ति अच्छी तरह हो रही है, जब भी हो रहा है, प्रोग्राम भी हो रहा है, प्रसाद भी हो रहा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, तब भगवान प्रॉब्लम्स देंगे उसको बताने के लिए, बेटे ऐसा है कि अभी तो भक्ति तो कर रहे हो मगर एम ये नहीं है संसार में रह के भक्ति करते रहना, एम है मेरे पास आना, भक्ति बढ़ाओ और वापस आ जाओ, तो प्रॉब्लम तब होश आएगा, यार मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉब्लम्स आ गई। सो इसलिए डिवोटी इस तरह से सब चीज़ों को भगवान की कृपा मानता है, दैट्स आइडिया, और इस तरह से संसार से आसक्त नहीं होता, सिंपल। हरे कृष्णा, कुछ पूछना कुछ कहना है, आई स्टॉप या तद्वित्तु महाभाव, सॉरी एक्चुअली वट तत्ववित है, तू अलग है, तत्ववित प्लस तू, तू मतलब होता है लेकिन, तत्ववित मतलब होता है इंटेलिजेंट, हाँ सो लेकिन मतलब, लेकिन क्यों कह रहे हैं कि जो अज्ञानी है वो कुछ नहीं जानता, लेकिन जो ज्ञानी है तत्ववित है वो समझता सब कुछ, चलते रहते हैं, तू का मतलब ज्ञान, अज्ञान से नहीं समझ रहे। ओके कोई क्वेश्चन पूछना है, दिस इज अ गुड वर्स, एक डिवोटी कभी नहीं भूलता कि मैं किसी कारण से देहात बुद्धि में फंस चुका हूं, वो नहीं भूलता मगर भूल जाते हैं, चक्कर ये है नहीं, अभी अभी तो आप अभी एक घंटे याद है फिर भूल जाओगे, पूरे दिन आपको याद ही नहीं रहेगा, देखना तो नहीं क्या क्या करते रहोगे, याद कहाँ रहता है, नहीं कभी कुछ करते हैं कभी कुछ, कभी सोचते रहते हैं काम करते रहते हैं, है याद रखने के लिए कैसे करो, यही तो बता रहे हैं, याद रखने के लिए जो भी कर रहे हो हमेशा ध्यान रखो कि उसके पीछे भगवान है, ऐसे अर्जुन फाइट कर रहा है, अर्जुन कहेगा भी मैं कैसे याद रखूं आपको लड़ते हुए, कैसे याद रखूं, तो कैसे याद रखूं उस अर्जुन कौन इसको एक्चुअली ये याद नहीं होता, ये कॉन्शियसनेस होती है, ये अवेयरनेस है, सिर्फ याद नहीं है, अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस में फर्क है नहीं है, हम गाड़ी चला रहे हो सेलफोन पे बात कर रहे हो, हाँ भाई क्या है क्या नहीं है क्या है, गियर भी चेंज कर रहे हो ब्रेक भी दबा रहे हो, अब वो कैसे आपको आपका याद रखते हो मुझे गियर करने, दैट्स ऑल, और कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, गियर चेंज करना, एक्सीलेटर करवाना, फिर क्लच छोड़ना, फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज आप बिना याद किए कर रहे हो और बात कर रहे हो वहां पर, वो कैसे हो रहा है, इसको कहते हैं अवेयरनेस,
तभी प्रभुपाद ने ये नहीं रखा कृष्णा रिमेम्बरेंस, कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, ये नॉलेज से आती है। रिमेम्बरेंस आती है रटने से, रट लोगे रिमेम्बर मगर वो भूल जाओगे। अब कॉन्शियसनेस से अवेयरनेस आती है, नॉलेज से कॉन्शियसनेस आती है, अवेयरनेस। भी आपने ट्रेनिंग ली कार चलाने की, अब कॉन्शियस हो गए कार चलाना। सो बार बार ट्रेनिंग, अर्जुन जब तीर चला रहा है उसको पता है, जब वो तीर निकाल रहा है उसको पता है कि मैं भगवान की शक्ति से निकाल रहा हूँ। जब वो तीर चला रहा है, जब लग रहा है उसको पता है, कॉन्शियस है कि ये तीर जो गया है वो भगवान की शक्ति से गया है, जो मरा है वो भगवान की इच्छा से ही मरा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो सब कुछ देख रहा है उसके पीछे भगवान को स्मरण कर रहा है, वो पूरी तरह कॉन्शियस है। बेवकूफ कॉन्शियस नहीं, ट्रेंड है वो, और क्या है, वो ट्रेंड है इसलिए कॉन्शियस। इस तरह से याद रखने से नहीं होगा। वैसे तो कृष्णा कह रहे हैं मामनो स्मर अयोध्या, कृष्णा कह रहे हैं युद्ध करो मुझे स्मरण। वहां पे स्मरण का मतलब कॉन्शियस अवेयरनेस ही है, वो प्रॉपर नॉलेज प्रॉपर ट्रेनिंग से होगा। इसलिए ज्ञान और भगवान का नाम लेना जरूरी है। सिर्फ याद रखोगे कि अब मैं याद रखूंगा हमेशा, भूल जाओगे। अब से याद रखूंगा हर चीज के पीछे भगवान है, जैसी चीज आएगी भगवान भूल जाओगे, चीज में फंस जाओगे, नहीं याद कर पाओगे। इसलिए ही भगवान का नाम लेना जरूरी है, कृपा और ट्रेनिंग चाहिए, नॉलेज, वरना नहीं होगा। इसलिए तो लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं यार याद रखो भगवान, कैसे याद रखें। आप देख लो आस्था संस्कार में सब यही कहते हैं संत, याद रखो हमेशा भगवान को, माया में मत फंसो। भैया करें कैसे, क्या करें, होता ही नहीं। फिर लोग कहते हैं यार क्या कहा, कुछ तो होता नहीं, क्योंकि उन्होंने गलत बोल दिया। ये सिर याद रखना थोड़े ना, ये तो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, वो श्रवण कीर्तन से आएगी। जब तक माइंड को ट्रेन नहीं करोगे नहीं आएगी। इसलिए प्रॉपर नॉलेज तत्वित, तभी तत्वित कह रहे हैं। ज्ञान लो और महाभाव, अर्जुन तो तीर चला रहा था भाव से, हम क्या चलाएंगे, माला, हरे कृष्ण, दोनों चीजें चाहिए, वित चाहिए नॉलेज और माला चाहिए, वरना नहीं होगा। जो केवल पढ़ते हैं माला नहीं करते कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, याद करने की कोशिश करेंगे नहीं कर पाएंगे, तो होगा ही नहीं, कर लो कभी नहीं होगा। जो केवल माला करते हैं पढ़ते नहीं, वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको समझ नहीं आया क्या चल रहा है, वो टाइम लग जाएगा बहुत। दोनों कंबाइन करना पड़ेगा, वरना फिर एक अवेयरनेस आ जाएगी। फिर आप किसी से बात कर रहे होगे, आपको पता है, आप किसी से बात कर रहे होगे ना, जैसे आप सड़क पर जाओगे अपने क्लाइंट से बात कर रहे होगे, तो वैसे तो भूल जाओगे, तो माइंड ट्रेन हो जाएगा तो आप बात करोगे, आपको पता होगा कि आप इसकी आत्मा, आप ये आत्मा है और शरीर में बंद है और मुझसे बात कर रही है। आप भूल नहीं सकते इसको, भूल ही नहीं पाओगे। जैसे ऐसे मैं अगर मैं मनोज से बात करूं तो मुझे पता है ना इसने शर्ट पहनी हुई है, मैं इससे बात कर रहा हूं, है ना, तो मैं भूल थोड़ा ना हूँ इसने शर्ट पहनी मतलब आई नो आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन जो शर्ट में। ऐसे ही अगर आप बात करोगे, जब नॉलेज ट्रेंड हो जाएगा माइंड, तो आपको पता है कि इस शरीर में बंद आत्मा से बात कर रहे हो आप, और ये बेचारी आत्मा पूरी माया के चक्कर में भगवान को भूली बैठी है और मुझसे कह रही है मुझे मशीन खरीदनी ले, नॉनसेंस, कहाँ फंसी पड़ी है। बट फिर भी क्योंकि क्लाइंट है तो भैया जो जवाब देना है देना, काम तो करना ही है, मगर इसको ये थोड़ा ना बताना है तो बेवकूफ़ है, मगर है तो बेवकूफ़ ही। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी एज इट इज़। आप देख पाओगे कि ये शरीर एक ड्रेस है, इसके अंदर आत्मा बंद है। अपने आप को भी देख पाओगे आप उस ज्ञान से कि मैं, मेरे ड्रेस है, मैं इसमें बंद हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ इस मन और इस शरीर से, जिस तरह मैं परेशान हूँ, ऐसी सब परेशान बनना नहीं होगा। आत्म अनुभूति से ही दूसरों में आपको याद रहेगा, ये भी बात होती है। अगर हमें खुद रियलाइज नहीं है ना तो याद नहीं कर सकते आप। तो भगवान के नाम से और ज्ञान से क्या होगा, पहले आपको पता लगेगा कि मैं शरीर नहीं, तभी तो याद रखोगे उसको देखकर। जब खुद ही नहीं पता तो आपको कैसे याद रहेगा कि अवेयर होगे कि वो भी वैसा है नहीं, जैसे आपको वैसे ही दिखाई देने लगेगा ना। ये तो नया है, आत्मवान मन्यते जगत, सुना है, जैसे आपको वैसे ही दिखाई देने लगेगा। वो सेमिनार में बताया तो मैंने, कामिनी कामुकाह जगत, कामुका कामिनी जगत, जो कामुक है उसको हर जगह क्या दिखाई देगा, चिड़िया दिखाई देंगी। अगर आप
अगर आप अगर आप मुक्त हो तो आप, अगर आपको अनुभव है कि आप शरीर नहीं हो आत्मा है, तो आपको हर जगह आत्माएं दिखाई देंगी। ये भी शरीर नहीं है, अभी आत्मा, आपका अपने अनुभव प्रोजेक्ट होगा ना हर जगह, है नहीं? और कहां से आएगा वो अनुभव, उसके अंदर से थोड़ा आ रहा है, तो आपका अपना अनुभव ही होगा। तो अगर आप में जितना अनुभव है उतना ही आप इस संसार को अनुभव कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते, असंभव है वो। इसलिए पहले अपने आप को उठाना बहुत जरूरी है। आप कोशिश करते रहोगे बाहर देखने की, खुद तो अपने आप को कुछ हो नहीं रहा, अनुभव है नहीं तो बात देख ही नहीं पाओगे। आपको ही नहीं पता आप शरीर नहीं हो, तो उसको कैसे देख के समझोगे कि वो शरीर नहीं है? जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी को देखते हैं तो कहाँ आंखों पे देखते हैं ना, है नहीं? क्यों उसके नाक पे क्यों नहीं देखते? आंखों में क्यों देख रहा, क्यों देख रहा? क्योंकि आपको पता है कि वो भी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आप भी आंखों से देखते हो, तभी तो आंखों में देखते हैं, कम्युनिकेशन का सेम प्लेटफॉर्म है ना। क्योंकि आप कन्विंस्ड हो कि आप आंखों से देख रहे हो, तो ऐसे सब भी आंखों से देखते होंगे, है नहीं? इसलिए आप उसकी नाक पे नहीं देख रहे या मुंह पे नहीं देख रहे। मैं छोटा था, मैं क्वेश्चन सोचता था यार, मुंह पे क्यों नहीं, नाक पे क्यों नहीं देखते, आंखों पे क्यों देखते हैं? मुझे आंसर नहीं मिला, क्योंकि गीता पढ़ी नहीं थी। नहीं, बड़ी अजीब सी बात है यार, सब आंखों में देख रहे हैं, नाक पे देख के क्यों नहीं बात कर रहे, गले पे देख के क्यों नहीं बात कर रहे? सो गीता पढ़ के समझ आया कि हमारा अनुभव है, इसलिए हमें पता है कि दूसरे भी आंख से देख रहे हैं, नहीं? तो यही बात है बस। अगर आपका अनुभव है आप शरीर, अगर आपका अनुभव है कि आप इस शरीर में बैठे हो और शरीर के थ्रू देख रहे हो, तब आप दूसरे को देखोगे तो आपको लग जाएगा वो भी शरीर के अंदर बैठा है और शरीर के थ्रू देख रहा है, वो शरीर में बंद है, वरना आप नहीं समझ सकते, आप पढ़ लो नहीं समझ आएगा। इसलिए अपना अनुभव बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते मुझे तो दिखाई दे रहा है, आपका अनुभव क्या पता नहीं। अगर आपको संबंध में दिखाई नहीं दे रहा कि भगवान आपके हृदय में, भगवान आपके जीवन को कंट्रोल कर रहे हैं, आप कभी नहीं देख सकते कि भगवान सबको कंट्रोल कर रहे हैं, वही आपको खुद नहीं पता। इसलिए कह रहे हैं इति मतवा न सज्जते, इसलिए भी कह रहे हैं एक भक्त आसक्त नहीं होता। आसक्त नहीं होता मतलब उसकी अपनी अनुभूति होती है, वो ये सब समझ के अपना अनुभव लाने की कोशिश करता है। आसक्त नहीं होना अपना अनुभव हो गया ना, जब उसका प्रभुपाद यूज कर रहे हैं अनुभव इस पपट में, जाके पढ़ना है पपट, जब उसका अपना अनुभव होगा तब वो संसार में अनुभव कर सकते कि चल रहा है, अदरवाइज नहीं होता है। इसलिए अपना अनुभव बढ़ाने की कोशिश करो गीता पढ़ने से और चैंटिंग से। चैंटिंग करो, एक्चुअली पढ़ना भी सेकेंडरी है बहुत, ये तो निश्चित है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कीर्तन। बिना भगवान के नाम के ये चीज़ नहीं होने वाली। आप केवल इंटेलेक्चुअल एंडेवर से नहीं, इंटेलेक्चुअल हम नॉलेज ले रहे हैं ये समझने के लिए कि हमें भगवान की शरण लेनी है नहीं, कन्विंस करने के लिए और अपने को बचाने के लिए। बचाने के लिए भी ना, दुश्मन अटैक करेगा, बचाना भी तो है और उतना, मगर हमें पता है कि हमें युद्ध नहीं जीत सकते बिना कृपा के। बचा सकते हैं अपने आप को युद्ध में, अर्जुन बचा सकता है, तीर आ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जीत नहीं सकता वो। कृष्णा ने कहा बेटा मैं नहीं हूंगा तो जीत नहीं सकता, तू लड़ ले, थोड़े टाइम के लिए तू इधर उधर मैन्यूवर कर लेगा मगर मरेगा तू। सो ये युद्ध जीतने के लिए अर्जुन के पास तीर था, हमारे पास नाम है। नाम के बिना नहीं होगा, जो जितना नाम करेगा उसको उतने अनुभव आएगा, वरना आप बैठे रहो पढ़ते रहो गीता, नहीं होगा, नहीं हो सकता। आएगी नहीं समझ, नहीं आएगी समझ, समझ नहीं आएगी। अब जो मैंने आपको बताया है, मैंने भी आपको बताया है, वही लिखा है, उससे पढ़ के बता रहा हूँ। अब कैसे समझ आ रही है? वो समझ आ रही है क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना उस चीज़ को, हमें अनुभव आ रहा है। अनुभव क्यों आ रहा है? वो हमें पता है कि नाम से आ रहा है, ऐसे नहीं आएगा समझ, कभी नहीं आ सकता समझ। सो इसलिए जितना टाइम होता है ना भक्ति में, लोग नाम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाता है ना, तो भगवान भी देखते हैं मेरा नाम ले रहा है तो कृपा करते हैं। सो वैसे तो ऐसे कई आचार्य लिख रहे हैं कि एक दिन में कितना नाम है, 1,00,000 माला करनी, 1,00,000 बार नाम लेना चाहिए। 1,00,000 नाम कितना हो गया? ऐसे तो कई आचार्य लिख रहे हैं 3,00,000 नाम करना चाहिए एक दिन में, हड़ी डू 190 माला करनी चाहिए दिन में, वो तो हम कर भी नहीं सकते। कर रहे थे भक्तिवान ठाकुर और ये लोग कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि नाम से ही होगा,
और कोई तरीका नहीं है। नाम से इसलिए होगा क्योंकि अगर हम सोचेंगे हम खुद समझ के कर लेंगे ना, तो वो भी अहंकारी है। मैं अपनी बुद्धि से समझ के कर डालूंगा, कर लो भैया, होगा ही नहीं, मेरी मदद के बिना कुछ नहीं हो सकता, कृष्णा कह रहे हैं। तभी तो कृष्णा खड़े हैं यहाँ आगे, कह रहे भैया मैं उतर गया, तू गया अर्जुन, उतरे रथ चल तो गया था, मानने का अर्जुन पहले तुम उतरो, फिर मैं रथ जल गया, खत्म हुआ तो बच गया। कर्ण से भी भगवान ने बचाया था, उसके नागबान से अर्जुन तो गया था, अर्जुन तो कुछ भी नहीं था कर्ण के सामने, अर्जुन को तो एक मिनट में उड़ा देता कर्ण। भीष्म पितामह 1000 अर्जुन को उड़ा देते, भीष्म पितामह चाहते महाभारत में, भीष्म पितामह अगर कृष्ण नहीं होते तो भीष्म पितामह आधे सेकंड में पूरे पांडवों की आर्मी को खत्म कर सकते थे, इतनी पावर थी उनमें आधे सेकंड में, इंक्लूडिंग अर्जुन। वो कृष्ण थे इसलिए कुछ नहीं कर पाए। सो वी हैव टू चैंट। अब वो 3 लाख नाम तो नहीं ले सकते हम एक दिन में, तो प्रभुपाद ने कहा भी कम से कम 16 माला कर लो, कम से कम बोला है, 16 माला कर लो कम से कम, उतना तो कर लो भाई, कृपा करो, पैर पड़ते हैं तुम्हारे। अब अगर वो भी नहीं कर सकते तो क्या होगा बताओ, फिर अनुभव नहीं आएगा। फिर अब ठीक है, धीरे धीरे हम माला करते हैं, बढ़ाते हैं, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 6 7 8 16 पे आते हैं। फिर 16 पे आने के बाद फिर स्टक मत रहो, काम करो, पढ़ो, नाम लो, कभी टाइम मिले तो ज़्यादा नाम ले लो, नहीं माला पे नाम लो, चलते फिरते नाम लो, बस नाम लो बस। हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि हम इस पजल को सॉल्व कर लें, सीरियसली इस मिस्ट्री को सॉल्व करना हमारे हाथ में नहीं है। भगवान तो एक इंडिकेशन दे रहे हैं, एक कहते हैं इंडिकेशन, क्या कहते हैं, एक प्रियम्बल दे रहे हैं, इस कहानी की शुरुआत दे रहे हैं। देखो भैया माया की कहानी ऐसे शुरू होती है, समझने जाओगे समझ नहीं पाओगे, बहुत कॉम्प्लेक्स है, उलझ ही जाओगे उसमें, इसलिए समझा। ये एक इंडिकेशन कैसे कहेंगे, एक हिंट दे रहा हूँ मैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, ज़्यादा अंदर मत घुसना, मेरी शरण लो और मैं करूँगा काम। वो उन्होंने ऐसे ही तो किया था बाय द वे इन द एंड। कौन थे वो मुनि जिन्होंने जिनको माया देखनी थी, कौन थे वो एंड में, कश्यप थे या कौन थे है? जो ऋषि थे, हाँ मार्कंडे, मार्कंडे ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की, शिव जी जा रहे थे तो शिव जी आए तो मार्कंडे ऋषि उठे नहीं तपस्या से, और शिव जी तो पार्वती भी थी, तो पार्वती ने कहा ये कौन है यहाँ, ये उठा ही नहीं, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। तो मार्कंडे ने कहा विष्णु का भक्त, शिव जी ने कहा विष्णु के भक्त हैं आप, ये किसी के सामने नहीं झुकते, ये केवल विष्णु के सामने झुकते हैं, बल्कि मैं भी इनके सामने झुकता हूँ, विष्णु के भक्तों के सामने। तो आप तो पार्वती ने कहा ठीक है, तो ऐसे भक्त के हम दर्शन करने चलते हैं। तो शिव जी पार्वती गए, मार्कंडे ऋषि गए, मार्कंडे ऋषि उठे, उन्होंने कहा शिव जी आप हैं, तो उनको प्रणाम किया। कुछ भक्त तो जानते हैं ना कि शिव जी बड़े वैष्णव हैं, शिव जी तो अपने वैष्णवता से कह रहे थे कि मैं वैष्णव के सामने झुकूंगा, तो वो भी झुके प्रणाम किया। तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मुझे भगवान विष्णु की माया के दर्शन करने हैं, भगवान विष्णु के दर्शन करने हैं। विष्णु विष्णु ने कहा ठीक है, तो फिर विष्णु के दर्शन हुए, फिर विष्णु ने कहा क्या मांगते हो। मार्कंडे ऋषि ने कहा मैं एक मेरी इच्छा है कि मैं आपके माया के दर्शन करना चाहता हूँ, गीता बहुत पढ़ी थी मैंने, आपकी माया ऐसे है, गुना गुना शु वर्तन थे, समझ भी आ रहा था मगर वे देखा नहीं। सब भगवान ने क्या बोला मार्कंडे को, भगवान ने कहा मार्कंडे ये वर मत मांगो, गीता पढ़ के समझने ही काफी है और तुम मेरी शरण में बहुत है, अगर तुमने मेरी माया देख ली तो चक्कर में पड़ जाओगे, तुम कभी निकल नहीं पाओगे वहां से, मत देखो। तो मार्कंडे ने कहा नहीं नहीं मैं तो देखना चाहता हूँ, मैं तो डायरेक्ट अनुभव करना चाहता हूँ कैसे काम कर रहे हैं 3 गुण और ये सब। विष्णु ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। और फिर विष्णु ने कहा 7 दिन बाद एक प्रलय आएगी और फिर मेरी माया तुम्हें दिखाई देगी। तो एग्जैक्ट 7 दिन बाद प्रलय आई, मतलब मार्कंडे ऋषि तपस्या कर रहे थे, दूर से सुनामी नहीं होता जैसे, वो आया वो देख रहे हैं ये क्या आ रहा है, और पूरा पूरा कवर कर दिया एकदम से, पूरा धरती अंदर, और सूर्य भी खत्म, चंद्रमा भी खत्म, सब खत्म, सब अंधेरा। अब वो अकेले पानी में, कोई जगह ही नहीं, स्विमिंग करते जा रहे हैं, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ है क्या है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर चलते 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 थक गए वो, मतलब अनकॉन्शियस हो गए, मरने ही वाले अनकॉन्शियस हो गए। दूर से उनको लाइट दिखाई दी, एक बच्चा दिखाई दिया जो पत्ते पे था, भगवान ही।
तो उसने देखा बच्चा कितना सुंदर है, गए आइलैंड पे, तो गए आए स्विमिंग करते करते, तो बच्चा तो भगवान ही है, भगवान ने उनको देखा, मुस्कुराए कि देखो मेरी माया देख रहे हो ना तुम, अब पेलोगे, तो भगवान ने मुंह खोला सीधा उनके मुंह के अंदर सारा ब्रह्मांड, और मुंह के अंदर जब गए तो दोबारा से वही सीन आ गया, ब्रह्मांड वो तपस्या कर रहे हैं, फिर प्रलय आई और फिर प्रलय के अंदर, और फिर गए, फिर बच्चा देखा फिर मुंह के अंदर, फिर प्रलय आए, उन्होंने कहा भैया, उन्होंने प्रार्थना की भगवान बचाओ, ये क्या है, ये क्या हो रहा है, अंदर बाहर अंदर बाहर, फिर भगवान प्रकट हो गए और फिर अपने आश्रम में आ गए, भगवान ने कहा समझ आ गया ना मेरी माया क्या है, अब इससे ज्यादा अभी इस अभी तो मैंने तुम्हें एडवर्टाइजमेंट ही दिया था अभी तुम श्लोक रटो गुना गुनेशु वर्तन्ते और इस समझ के मेरी शरण ले लो, बस काफी है, मेरा नाम लो, मेरी भक्ति करो और इससे बच के मेरे पास आ जाओ, समझने की कोशिश मत करो ज्यादा वरना पागल हो जाओगे। सो मगर जितनी, इसलिए जितनी गीता उतना तो समझ लो अच्छी तरह, हिंट तो समझ लेना चाहिए, अगर हिंट भी नहीं समझोगे तो क्या है, लोग कहते हैं यार हमें कितना पढ़ना पड़ेगा, भैया ये गीता तो पढ़नी पड़ेगी, तो हिंट ही है ना, हम आपको थोड़े ना कह रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी सब समझ लो, ये अच्छी तरह समझ लो और नाम लो, दैट्स ऑल, फिनिश, सब होगा। प्रभुपाद के ओके, श्री प्रभुपाद की जय।